अग्निपथ स्कीम सरकार की वो स्कीम है जिसके खिलाफ अब लगातार प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, पहले बिहार, फिर यूपी और अब हरियाणा, देश में हर जगह छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अग्निपथ पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल अग्निपथ स्कीम में सबसे बड़ी कमी जो छात्रों को लगी वो है सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती, क्योंकि 4 साल पूरे होने पर 75% छात्रों को घर भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25% छात्रों को ही नौकरी के लिए आगे जारी रखा जाएगा। दूसरा, इसकी एज लिमिट, जिसे स्कीम में पहले तो 17.5 साल से 21 साल तक रखा गया था, हालांकि अब इसे 23 साल तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी समस्या ये है कि पिछले 2 साल से सेना में कोई भी भर्ती निकली ही नहीं, और जो स्टूडेंट पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस एज लिमिट को पार कर चुके हैं, मतलब कि अब वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है ही नहीं। और अब जो हालात देश में चल रहे हैं उसे देखते हुए सरकार को एक बार फिर से इस स्कीम पर जरूर सोचना पड़ेगा। वैसे गाइस, आपका इस स्कीम के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।